डबल चिन का मसाज मैं आप लोगों को फेस योगा और मसाज बता रही हूँ, किस तरह से आप डबल चिन से जो है वो जान छुड़वा सकते हैं। कोई भी आपने फेस ऑयल ले लेना है, रोज़ हिप जुजुबा जो भी आप यूज़ करते हो, और इज योर लाइन नेक अप। नीचे की तरफ आपने नेक को लेके जाना है, नीचे की तरफ मसाज करना है। उसके बाद आपने साइड बोर्ड जॉ लिफ्ट करना है। देखिए किस तरह से मैं अपने लोअर जॉ और डबल चिन को लिफ्ट कर रही हूँ। ये आपने वीडियो एक ही दफ़ा डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आप इसको जब भी करें आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपने अपने डबल चिन को इस तरह से चुटकियाँ करते हुए नीचे की तरफ और साइड बोर्ड लेके जाना है। फिर से दो थम्स बनाएं और थम्स से नेक को नीचे की तरफ लेके जाएं। जी, इससे ना सिर्फ फैट सेल बर्स्ट होंगे बल्कि आपकी डबल चिन शेप अप होगी। फिर से हमने जॉ से कानों तक थम्स के थ्रू अंगूठों के थ्रू लेके जाना है। अब हाथों के ऊपर वाले हिस्से से हमने दोनों साइड से जॉ की तरफ डबल चिन को लिफ्ट करना है। इस तरह से ही ये स्टेप्स हम करते रहेंगे। अब आपने मैक्सिमम अपनी चिन को अपलिफ्ट करना है, जितना ज़्यादा कर सके, ऊपर की तरफ देखना है और होल्ड करना है। आप अपने दोबारा से फेस ऑयल अप्लाई कर लें अगर आपको ज़रूरत है। नीचे की तरफ मैंने स्किन को, अपनी डबल चिन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है बहुत जेंटली। स्किन को बहुत रगड़ा रगड़ना नहीं है आपने। ऑयलिंग करने का अच्छे से मकसद यही है कि ईजिली ग्लाइड हो सके आपके हैंड डाउनवर्ड, ब्यूटिफुल सा जो है लिफ्ट आ जाए आपके जॉ में। और ये मैं अपने चिन चीक के मसल्स अवेक कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने कानों को पिंच करूँगी ऊपर तक। बहुत बेहतरीन किस्म के एक्यूपंक्चर्स पॉइंट होते हैं हमारे कानों पे, जो पूरी बॉडी के सिस्टम को फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अभी आप देख लें कैसे मैंने दो फिंगर्स बनानी है और अपने जॉ को लिफ्ट करना है ये इस तरीके से। फिंगर्स की मूवमेंट को ख़ास नोटिस कीजिएगा, अपवर्ड और ऊपर की तरफ करते रहेंगे इसी तरह लिफ्ट। जी यूं कान पे जाके मूवमेंट ये ख़त्म होगी। डाउनवर्ड फेस से मैं लिम्फ नोड जो है डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ। जी अब ये मैंने फ्लिक करना शुरू किया। आप 2 to 3 फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, 4 फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अपनी चीक्स को अच्छे से अपलिफ्ट फ्लिक्स दे रही हूँ। हल्का सा पिंक आप फेस को कर सकते हैं, हल्की सी पिंकिशनेस या हल्की सी रेडनेस फेस पे आ सकती है, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। नेजल लेबियल फोल्ड या लाफ लाइंस को देख लें किस तरह, पहले चारों फिंगर से एक साथ और फिर टैप टैप करके मैंने लिफ्ट किया है। ये देखें, मैं अभी जो है अपनी वर्कआउट क्लास करवा के आई थी, तो वर्कआउट के बाद नेचुरली आपके फेस की तरफ ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बड़ा होता है। तो इस आफ्टर वर्कआउट अगर आप ये मसाज कर लें हैंड वॉश करने के बाद, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि हाथ और फेस की स्किन बिल्कुल क्लींस और साफ़ हो, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट पोर्स भी ओपन हुए होते हैं। तो अगर आप गंदे हाथ फेस पर टच करेंगे तो इससे आपको एक्नी का या डिफरेंट चेहरे पे ब्लेमिशेस हो सकते हैं। ये बहुत ख़ास स्टेप है। ये देखें, नोज़ की साइड्स को मैंने प्रेस किया, लिफ्ट किया और आईब्रोज़ को ऊपर से लिफ्ट करके टेम्पल एरिया पे ख़त्म कर रही हूँ। ये जो मूवमेंट है ये आपकी आईब्रोज़ को लिफ्ट करती है, आपके नोज़ को शेप अप करती है और आपकी जो लाफ लाइंस हैं उनको इम्प्रूव करती है। ये आप 8 से 10 मरतबा ये मूवमेंट, इवन के 15 दफ़ा भी कर सकते हैं। आपका फेस आपको खुद बता देता है कि अब इनफ हो गया इस पे वर्क, अब बस करें। चलें जी, ये टेम्पल एरिया को सर्कुलर मोशन में मैंने मूव की फिंगर्स, ये आपकी साइड से ब्रो को भी लिफ्ट करता है। ये साथ ही हमने अपने फोरहेड को, माथे के ऊपर वर्क करना है। ये देखें, जो आईब्रोज के बीच में 11 की लाइन बन जाती है इससे वो बेहतर होती है। ये साइड पे आपने चीक्स, इन मोमेंट्स को ख़ास तौर पे आपने
नोटिस करके फिर करना है। ये अपवर्ड लिफ्ट किया एंड टेम्पल एरिया, पहले मैं नोज़ के पॉइंट से ला रही थी, अभी मैं चीक पे लेके जाती हूँ, फिर नोज़ से लिफ्ट करके टेम्पल तक आती हूँ। इसको भी आपने 10 to 15 टाइम करना है, एक दफ़ा नीचे की तरफ, एक दफ़ा ऊपर की तरफ, आल्टरनेटिव ये नीचे की तरफ और अब यहीं से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी। थोड़ी सा सर्कुलर मोशन, अपलिफ्ट एंड ब्रोज, बिल्कुल अगेन चीक को शेप, चीक्स को शेप अप कर रहे हैं हम। ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव फेस योगा एक्सरसाइज प्लस मसाज रूटीन है, इसे आप वीक में 2 टाइम्स आराम से कर सकते हैं, रात सोने से पहले या मोस्ट प्रेफरेबली अपने वर्कआउट के बाद। जी ये मैं अपने थंब से अपनी डबल चिन और जॉ पे दोबारा वर्क कर रही हूँ। ये मैंने अब पिंच करना शुरू किया, जॉ से स्टार्ट करूँगी चुटकियाँ भरना या पिंच करना और आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगी। ये दूसरी साइड पे भी पिंच किया, कोशिश करें हाथ में आपके स्किन और टिश्यूज आएं। दोनों जॉज को मैं पिंच करते करते ऊपर लेके जा रही हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ देखें चीक्स की चुटकियाँ भरते हुए आइज़ के नीचे तक मैं जाती हूँ। अंडर आइज़ का अपना ख्याल रखना है क्योंकि बहुत जेंटल स्किन होती है अंडर आइज़ की। ये ऊपर की तरफ पिंच करके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे, पिंच 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 स्किन को अच्छे से आप चुटकियाँ भरेंगे, आपके दोनों थम्स के अंदर आपकी स्किन और टिश्यूज़ आने चाहिए। जी इस तरह से अवेकन अप करेंगे आप अपने फेस को। और अगर किसी को लगे कि इस तरह करने से हमारी स्किन ना लटक जाए या सैग हो जाए, देखें स्किन हमेशा तभी सैग या लटकती है जब आप फेस को मूव नहीं करते। इस तरीके से आपके तमाम टिश्यूज़ डीप मसल्स अवेकन अप हो रहे हैं, जाग रहे हैं, स्किन टाइट और टोंड होगी। और ये साथ इन साथ मैं वीडियो में अपने पुराने वेट गेन के टाइम की पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ और मैंने 2 to 3 times अपना वेट लूज़ किया है और इसी फेशियल वर्कआउट और मसाजेस के थ्रू ही मेरा फेस की स्किन बिल्कुल टोंड और टाइट है। अब ये लास्ट हम मूवमेंट कर रहे हैं लिप्स की, वॉश कर लिया है, सी नो मेकअप नथिंग अप्लाइड एंड जस्ट लुक हाउ दिस मसाज गिव अ पावरफुल ग्लो टू माई फेस। आप लोगों ने भी ये करना है और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना।